रूस और यूक्रेन के बीच जब से जंग शुरू हुई है तब से अब यानी करीब 2.5 साल के बाद ये युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले तो यूक्रेन ने रूस के सारातोव में एक 38 मंजिला इमारत पर हमला किया। ये हमला इतना खतरनाक था कि इसने अमेरिका के 9/11 की याद दिला दी। इसके बाद रूस ने भी जवाबी हमले के तौर पर यूक्रेन के कई शहरों में भीषण बम वर्षा करते हुए 100 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। ये हमले यूक्रेन के 15 शहरों में किए गए। लेकिन रूस ने जिन हथियारों की मदद से ये हमले किए उसमें ईरान द्वारा निर्मित शहीद ड्रोन का नाम बार बार लिया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यह दावा किया है कि रूस ने इस हमले में सैकड़ों शहीद ड्रोन का इस्तेमाल किया। दरअसल शहीद एक ड्रोन का नाम है जिसे ईरान ने बनाया है। ये ड्रोन्स दुनिया के कुछ गिनती के सबसे शक्तिशाली ड्रोन्स में एक माने जाते हैं। ये ड्रोन एक तरह के फिदाइन यानी कि आत्मघाती ड्रोन है। बताया जा रहा है कि रूस द्वारा किए गए हमले इतने घातक थे कि इससे यूक्रेन में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। यूक्रेनी सैन्य सूत्रों के मुताबिक इस हमले का मकसद ही यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना था। यूक्रेन ने बताया कि उन्होंने करीब 15 मिसाइलों और 15 ड्रोन को मार गिराया है। इन ड्रोन की खासियत यह है कि इनकी रेंज करीब 2,500 किलोमीटर है। माना जा रहा है कि रूस ने कथित तौर पर अपने देश में तमाम सैन्य प्रतिष्ठानों पर इन ड्रोन को तैनात किया है। ये ड्रोन अपनी अत्याधुनिक तकनीक के लिए जाने जाते हैं, साथ ही ये आत्मघाती ड्रोन है। कहा जाता है कि ईरान ने इन ड्रोनों को लंबी दूरी के साथ रडार में न आने जैसी क्षमताओं से लैस किया है। साथ ही इन ड्रोनों के माध्यम से बड़े और घातक हवाई हमले किए जा सकते हैं। इन ड्रोनों को दूसरे शब्दों में कामिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। रूस के बारे में ये कहा जाता है कि रूस लंबे समय से इन ड्रोनों का इस्तेमाल कर रहा है। ये ड्रोन वर्तमान की टेक्नोलॉजी से लैस युद्धों में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। ये ड्रोन इसलिए घातक हैं क्योंकि 12 घंटे तक दुश्मन के सर पर मंडरा सकते हैं, यानी कि 12 घंटों तक बिना रुके आसमान में उड़ने की क्षमता रखते हैं। खास बात यह है कि ये ड्रोन जितने घातक हैं सैन्य बजट की दृष्टि से उतने ही सस्ते भी। इस एक ड्रोन की कीमत महज $20,000 है। ये ड्रोन डेल्टा विंग का ड्रोन है और इसमें कम वजन वाले हथियारों को डिप्लॉय किया जा सकता है। ये अपने साथ करीब 36 किलोग्राम वजनी हथियारों को ले जा सकता है। माना जा रहा है कि इस प्रकार के बाकी ड्रोन्स की तुलना में ये 10 गुना तक अधिक सस्ता है, साथ ही अन्य ड्रोनों से ज्यादा कारगर भी है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ड्रोनों की गति बेहद तेज है और यही इसे कारगर बनाती है। इस ड्रोन की अधिकतम अनुमानित स्पीड 115 मील प्रति घंटे तक आंकी जा रही है। बताया जा रहा है कि ईरान के पास इसी शहीद ड्रोन के 16 वर्जन हैं। कहा जाता है कि सीरिया सिविल वॉर में भी इस ड्रोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया था और अब यूक्रेन दावा करता है कि रूस पिछले कुछ सालों से इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने इस ड्रोन से संबंधित खरीद फरोख्त के मामले में कड़े प्रतिबंध ईरान पर लगाए हैं, लेकिन माना जाता है कि रूस इन ड्रोनों को ईरान से गुप्त तरीके से खरीदता है। ईरान का ये ड्रोन इतना कारगर और किफायती है कि इन ड्रोन्स को खरीदने की होड़ लगी है और कई देश तो ऐसा ड्रोन बनाने की कोशिश में भी लगे हुए हैं।